हाय फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे न्यू यूट्यूब चैनल में, रेशम विलेज ब्लॉग्स में। दोस्तों दोस्तों आज हम लोग अपना होम टूर के बारे में बताने वाले हैं, पूरा जानकारी देने वाले हैं। तो पूरा आप लोग मेरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो इसमें सिर्फ हम ही बोलेंगे, मेरे हस्बैंड बोलने वाले नहीं है, क्योंकि वो हमको वार्निंग दे चुके हैं कि जो बोलना है तुम्हें। तो चलिए अब हम खुद स्टार्ट करते हैं वीडियो बनाने के लिए दोस्तों। तो ये देख रहे हो जो सामने है चक्का बैलगाड़ी का, ये भी बैठने का कुर्सी था दोस्तों। तो इसमें हम लोग पहले बैठते थे, लेकिन अभी इसको भंगार में फेंक दिया क्योंकि लकड़ी खतर टूट गया था इसीलिए। तो दोस्तों चलिए, गार्डन पूरा है, पूरा गार्डन गार्डन ये देख सकते हो। ये जो रूम दिखा रहा है आप लोग को, यह है मेरा होम टूर जिसके बारे में आप लोग को जानकारी देने वाले हैं। यही है मेरा होम टूर दोस्तों। तो दोस्तों चलिए, अब इसको फॉर्म हाउस बोलता हूँ, फॉर्म हाउस घर है ये, मतलब ऊपर से खपड़ा लदा हुआ है और नीचे से प्लास्टर किया हुआ है दोस्तों। इसमें ठंडी ठंडी हवा आती है खिड़कियाँ से, तो आप लोग को पूरा वीडियो जरूर दिखाने वाले हैं। तो ये जो डॉग है, यह है जर्मन शेफर्ड, हम लोग को साथ ही रहता है, खेलता कूदता है, इसको नहलाता धुलाता भी है दोस्तों सप्ताह में एक दिन। और इधर जो आप लोग को नज़ारा दिखाई पड़ रहा है, ये है लोहड़ी पार्टी जिसमें हम लोग गाँव में मसाला पीसते थे, कूटते थे, लेकिन यहाँ कुछ अलग ढंग से आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा। जब हम पहली बार आए थे तो यहाँ चौक गए थे, इतना सामान था, कितना अच्छी अच्छी ना, हम लोग भी उतना गाँव में देखने को लिए नहीं मिलता था दोस्तों। तो देखिए ये है मटका पानी पीने का, और इसमें पानी पीने गर्मी दिन में पानी पीने में यूज करते थे बहुत ज़्यादा काफ़ी, और अभी गर्मी तो काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों। तो चलिए, और धूप भी बहुत काफ़ी लग रहा है, क्योंकि इधर 8 से 9 बजते बजे तक तो काफ़ी ज़्यादा धूप हो जाता है और लू भी चलने लगता है दोस्तों। तो ये देख रहे हैं आप लोग पूरा लकड़ी का, ये सब राजस्थानी लकड़ियाँ, इसको मेरे मालिक ने ऑर्डर से बुक करके मंगवाए हैं, मेरे हस्बैंड के मालिक ने। मेरे हस्बैंड इधर छोटी मोटी जॉब करते हैं दोस्तों, आप लोग मेरे फर्स्ट ब्लॉग तक देख लिए होंगे शायद। और हम ये जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं हम कम से कम 2 साल से कर रहे हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो, 2 से मेरा डिलीट हो चुका है, उसके बारे में जानकारी दे चुके हैं, इसमें ज़्यादा नहीं बोल सकेंगे क्योंकि आप लोग बोरिंग हो जाएगा तो आप लोग देखने नहीं चाहेंगे इसलिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए झूला, और ऊपर कितना सुंदर छजा जैसा छा रहा हुआ दोस्तों। और हम लोग को थोड़ा बोलने में दिक्कत होता होगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोलते थे साथ साथ तो अलग बात होता था, लेकिन अभी बोला तुम ही बनाओ वीडियो, अब तुम खुद मेहनत करो, देखते तुम आज कैसा बोलती है, इसलिए हम आज खुद मेहनत कर रहे हैं। तो ये देखिए अंदर जाने के दरवाज़ा, अब हम आप लोग को अंदर की वीडियो दिखाएंगे। तो पहले मेन गेट खोलें, और दूसरा गेट, इस दरवाजे में 2 गेट होते हैं, पहले शीशे की और दूसरे बाद मोटी लकड़ी की, बहुत काफ़ी भारी होता है दोस्तों, क्योंकि मेरा डॉग जब अंदर रहता है तो दोनों गेट को बंद करना पड़ता है। और तो अभी हम अंदर आ चुके हैं, तो चलिए पहले लाइट ऑन करते हैं दोस्तों। तो लाइट ऑन कर लिए, और यहाँ भी जितना सारी आपको सामान दिखाई पड़ेंगे, अधिकतर सामान पेंटिंग होगी या फिर राजस्थानी सामान या फिर पुरानी चीज़ें होगी। तो देख सकते हो यहाँ जो फोटो टंगा हुआ, यह भी हाथ से प्रिंट किया हुआ है, कलर से मतलब। तो दोस्तों ये भी देखिए बड़ा बड़ा सोफा जो है, ये भी राजस्थानी है, इसका कलर थोड़ा छूट गया है। तो देख सकते हैं आप लोग, इधर तो हर घर में भगवान की मूर्ति मिल रहा है, यहाँ तो अधिकतर ज़्यादा गौतम बुद्ध की मूर्ति यहाँ देखते हैं, बड़ी बड़ी लकड़ियों में था टंगा हुआ, अभी नहीं दिखाई पड़ रहा, मालूम है इधर हटा दिया जब हम गाँव गए थे दोस्तों। तो ये देखिए बड़ी बड़ी संख, और ये है फूल, शीशे की फूल है दोस्तों, और ये छोटी की संख है, भगवान के सामने रहता है। और हम यहाँ मुंबई में लगभग 2 साल से रह रहे हैं दोस्तों, तो मेरे बच्चे इधर ही हुए थे महाराष्ट्र में ही। तो देखिए ये प्लास्टिक का फूल कितना सुंदर, काफ़ी सुंदर है, और चलिए आप लोग को और दिखाते हैं। और हम यूट्यूब पर लगभग 2 साल से हैं, और टिक्की पे भी वीडियो बनाते हैं, लेकिन उसमें डिलीट मार दी क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता था वीडियो बनाने में। उसको इंस्टाग्राम पर भी 1-2 महीने से वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं, ये खिड़की, इधर से ठंडी ठंडी हवा आती है दोस्तों, तो आप लोग को बताएं कि अंदर का नज़ारा और भी अच्छा होगा। तो चलिए देखते हैं। और ये देखिए पूरा ये जो दिखाई दे रहा नज़ारा, ये पूरा डाइनिंग हॉल दोस्तों, इधर टेबल कुर्सियाँ बस यही सब देखने को आप लोग को मिलेगा। और नीचे मेरे बेबी सोई हुई है, आप लोग को हम बताएँ, मेरा 2 बेबी है, एक लड़का एक लड़की, लड़की मेरा 3 साल की है, 3.5 साल की, और लड़के मेरा 3 महीने की है दोस्तों। और मेरे हस्बैंड जा रहे थे नहाने के लिए, तो ये भी देख रहे हैं, इसको आज कुछ नहीं बोलना है क्योंकि ये कब से वीडियो बना रहे हैं, ये वायरल नहीं हो रहा है। और हम भी दोस्तों मेहनत करना शुरू कर दिए, हो सकता है दोनों में से कोई आगे बढ़े दोस्तों इसीलिए। तो चलिए सपोर्ट कीजिए आप लोग इसी तरह से। तो दोस्तों ये जब तस्वीर देख रहे हैं फ़ोटो में, ये रियल फ़ोटो नहीं है, ये कपड़े से बनाया हुआ फ़ोटो है। तो दोस्तों इसको जब हम गौर से देखें तो हमको यकीन नहीं हुआ, तो आप लोग देख लीजिए, आप लोग को यकीन नहीं होगा, सिर्फ ये कपड़े और सिलाई से बना हुआ है। तो कैसा है प्लीज़ कमेंट कीजिए आप लोग, और हमको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि दो बच्चे को रख के संभालना और किचन संभालना, उसके बाद हम टाइम निकाल के वीडियो बना रहे हैं दोस्तों, से मेरे हस्बैंड जी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगती होगी, और अच्छी लगती होगी प्लीज़ कमेंट कीजिए।
क्योंकि हम हाउस वाइफ हैं, थोड़ा बोलने में दिक्कत होता होगा। बस और क्या बोले आप लोग को, चलिए और दिखाते हैं जो जो आप लोग को दिखा रहा। तो इधर देखिए हमेशा गौतम बुद्ध का मंदिर फोटो रहता है, गार्डन में, बगीचे में, हर जगह मिलेगा आपको। तो इधर देखिए ये रूम का जगह नहीं लग रहा, लेकिन तो भी इसमें रूम निकलेगा आपको, इसमें बेडरूम एक। चलिए आपको दिखाते हैं, लेकिन ये कवाड़ से भरा होगा दोस्तों, तो देख सकते हैं आप लोग कवाड़ भरा हुआ है इसमें। अभी इसमें कोई सोता नहीं है, यूज़ नहीं होता, इसलिए इस तरह पड़ा हुआ है। चलिए इसको बंद करते हैं और आगे आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए ऊपर का नज़ारा, ऊपर से खपड़ा है छरा हुआ, और इसके नीचे देखिए कितना सुंदर, ये इसको क्या बोलते हैं इसको हम खुद नहीं मालूम, लेकिन खपड़ा ऊपर से है, उसके बीच में बिस्तर है, उसके नीचे ये है दोस्तों होम हाउस का मतलब होता है यही सब, कि रूम के अंदर उतना ज़्यादा गर्मी नहीं होता है, ठंडी ठंडी हवा आती है चारों तरफ से दोस्तों। और ये है किचन, एकदम सबसे पीछे किचन है और बाथरूम है दोस्तों। तो ये है प्यारा सा मेरा किचन, इधर ही हम लोग खाना पीना करते हैं रहते हैं, इधर ये है बैठने के लिए। और हम लोग सारा मैंने 8-9 बजे तक हम लोग इधर ही किचन में यूज करके रहते हैं, नाश्ता पानी करते हैं। और अभी फिलहाल खाने की तैयारी हो रही है, देख सकते हैं आप लोग खाने में है अंडी, अंडा चावल, तो अभी अंडा उबल रहा है शायद, बन रहा है, तो इसको हम बनाने वाले हैं। मेरे हस्बैंड इतना करके छोड़ दिए, गैस बंद कर दिए हैं। तो चलिए हम वीडियो बना रहे हैं आप लोग को दिखाने के लिए। तो दोस्तों एक लड़की होके इतना कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कर दीजिएगा। तो चलिए ये छोटी सी मंदिर जहाँ हम लोग पूजा पाठ करते हैं, और इधर ये सब्जी की टोकरियाँ दोस्तों, मतलब किचन में ही सारा सामान पड़ा हुआ रहता है। और ऊपर तो किचन के ऊपर से धुआं आता बहुत ज़्यादा, हम लोग सवेरे ही खाना पीना बना लेते हैं। और इसमें है मेरे बच्ची का कपड़ा, छोटी बेबी बड़ी बेबी दोनों बेबी का कपड़ा रहता है इसमें, लोग सारा किचन में ही रखते हैं। तो आप लोग तो मेरा देख लिए थे पूरा, और इधर भी जो देख रहे हैं आप ये बेड, इसको खींचने के बाद लंबा हो जाता है। और इधर जो देख रहे हैं ये हम लोग इधर ही सोते हैं दोस्तों, जब से मेरा बेबी हुआ तब से हम यही रूम यूज करते हैं, इधर ही सोना उठना करते थे। और इधर सिर्फ दो अलमारियाँ पड़ी हुई है और कुछ नहीं। और ये रहा मेरा दो बाथरूम, और पीछे साइड जो देख रहे हैं वो है दरवाज़ा, हम लोग पहले पीछे से ही जाते थे। तो चलिए बाहर का नज़ारा दिखाते हैं, ये है बाहर का नज़ारा, मतलब गार्डन में ही, यह है रूम का बाहर, मतलब गार्डन, पूरा गार्डन साइड है। चलो पीछे साइड आप लोग को दिखाते हैं बैक कैमरा करके। तो देखिए दोस्तों यह है बैक कैमरा किए हैं, ये पीछे साइड पूरा गार्डन छोटी मोटी। इधर आपको हर गमले में पौधा मिलेगा दोस्तों, और ये देखिए पूरा अब पीछे साइड पूरा काम चालू था। ये जो देख रहे हैं आप लोग नया नया रूम बना हुआ है, यह डाइनिंग एरिया खाना खाने का, ये सभी बना के सिर्फ इसमें ताला लॉक मार दिया है, कोई यूज नहीं कर सकता। और जो ये गेट देख रहे हैं ये है पीछे साइड गेट, जो बाथरूम दिखाए थे वो पीछे साइड से, पहले हम लोग इधर से ही निकलना आना करते थे, क्योंकि इधर पूरा सफा था, फ्लाइट था, कुछ नहीं था, इधर खाली सीट था दोस्तों। तो चलिए आप लोग को और दिखाते हैं आगे। और जो हम दोस्तों हम लोगों गांव में तो बहुत ज़्यादा चिढ़ाते उड़ाते हैं कि दो हस्बैंड वाइफ मिलकर वीडियो बनाती है, ऐसे मोबाइल में आती है, टी वी में आती है दोस्तों, ये सुन के ख़राब लगता है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कर दीजिए हमको दोस्तों, ताकि सबका मुँह बंद हो सके, सब आप ही लोगों के हाथों में दोस्तों। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, एक लड़की होकर इतना आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो दोस्तों चलिए आप लोग को और दिखाती हूँ गार्डन की साइड। तो ये देखिए कबाड़ वाल काम किया है, ये पड़ा हुआ है, शायद वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो गई होगी, लेकिन अपना जितना मेहनत कर रही हूँ आपको हर चीज़, हर एक चीज़ न्यू चीज़ दिखा रही हूँ दोस्तों, जो हो रहा जो नहीं भी हो रहा। तो ये देखिए ये है न्यू किचन, जिस तरह न्यू डाइनिंग एरिया था उस तरह न्यू किचन बना, इसमें ताला लॉक मरा हुआ फिर। और ये है किचन का पूरा आंगन, बहुत बड़ा आंगन है दोस्तों। इधर आप लोग को हर चीज़, हर एक पौधा नज़र आता होगा आपको, वो है योगा क्लासरूम, मेरी हस्बैंड की मैडम जो है वो योगा करती है। उधर हर एक गमले में पौधा, उधर है स्विमिंग पूल के नीचे, हर एक गमले में आपको पौधा दिखाई पड़ता होगा दोस्तों। दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी, क्योंकि हम इतना मेहनत कर रहे हैं दो बच्चे संभाल कर, प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है। तो चलिए आपको अब और कुछ नहीं दिखा सकते, आप चलते हैं अपना रूम खाना पीना खाने के लिए। तो दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं, और ये मेरा खाना रहा अंडा चावल, तो अंडा चावल खा के चलते आपको बाहर की दुनिया दिखा देते हैं। तो ये है मेरे बाहर की नज़ारा, रूम की बाहर की नज़ारा दिखा चुके हैं, और ये पुणे के पास दोस्तों, हम लोग पुणे के बगल में रहते हैं, पूरा पहाड़ी इलाका आप लोग को नज़र आता होगा शायद पहाड़, उतना क्योंकि शाम का टाइम हम लोग जॉगिंग करने के जाए थे हम और मेरे हस्बैंड टहलने के लिए। तो आप लोग को वीडियो बना के दिखा दूँ, तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, बाय बाय।